एक पान ठेला चालक ने 15 साल की बच्ची को जाल में फंसाकर लगातार 4 महीने तक जबरन शारीरिक संबंध बनाता था। वह 5 माह की गर्भवती हो गई। इसके बाद युवक ने उसे घर में बंद कर दिया। पाचपौली पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया है। युवक का नाम इस्लाम खान नासिर खान, उम्र 21, निवासी कसनपुरा हंसापुरी बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक 15 साल की लड़की अकोला जिले की रहने वाली है। उसकी मां उसे 3 साल पहले काम की तलाश में नागपुर ले गई थी। उसने मोमिनपुरा इलाके में एक कमरा किराए पर लिया था। मां मजदूरी का काम करती थी। अपनी मां के साथ बाजार में यात्रा करते हुए वह इस्लाम से परिचित हो गई। मोमिनपुरा इलाके में पान ठेला इस्लाम चलाता है। इसने उनकी दोस्ती और दोस्ती को प्यार में बदल दिया। माँ के समझाने के बाद इस प्रकार का विरोध हुआ। इस बात को लेकर लड़की का अपनी माँ से विवाद हो गया। 5 महीने पहले वह अचानक घर से निकल गई। माँ ने पूछताछ की तो पता चला कि वह आरोपी के साथ पांच पावली थाने के टांडा पेट इलाके में रह रही है। लड़की ने आरोपी से शादी करने की मांग की तो वह फरार हो गया। वह 5 माह की गर्भवती थी और उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए उसे डागा अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी उम्र को देखते हुए डॉक्टर ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पचपावली पुलिस उप निरीक्षक श्रीनिवास दराडे ने मां को सूचित किया। उसकी मां की शिकायत के बाद पुलिस ने दुष्कर्म और बाल यौन शोषण के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बरोबर आहे, यातील अपराध क्रमांक 769/21 कलम 376(2)(n), 376(3), 366 सह कलम 6, 10 आणि 12 पोक्सो कायदा यानुसार आरोपी इस्लाम खान व नसीर खान व 21 वर्षे राहणार कसानपुरा हंसापुरी पोस्टेड तहसील असा आरोपीचं नाव आहे। आरोपी आणि आरोपीचं पोलीस स्टेशन तहसील हद्दीमध्ये पानठेला आहे आणि त्याच्या पानठेल्याच्या जवळच यातील पीडित मुलगी आणि तिची आई आपल्या कुटुंबासह तिथे राहत होती। आरोपीने तिच्यासोबत प्रेम करण्याचे आमिष दाखवले आणि लग्न करण्याचे आमिष दाखवले आणि तिला 4-4.5 महिन्यापूर्वी तिच्या कायदेशीर पालकाच्या दाव्यातून पळवून दिलं होतं आणि पोलीस स्टेशन पाचपावली येथील तांडापेट येथे रूम घेऊन, किरायाची रूम घेऊन तो लग्न न करताच तिच्यासोबत राहत होता आणि त्या दरम्यान तिची इच्छा नसतानासुद्धा वारंवार तिच्यावर अत्याचार केला आरोपीने आणि ती मुलगी 15 वर्षांची असतानासुद्धा तिला 4 महिन्याची ती गर्भवती आहे। तिला चक्कर येऊ लागल्याने तिला डागा हॉस्पिटल येथे ॲडमिट करण्यात आलं। डागा हॉस्पिटलमधून MLC आम्हाला आलेली असल्याने आम्ही त्या पीडित मुलीचे सुद्धा बयान घेतलेले आणि तिच्या आईचा सुद्धा रिपोर्ट घेतला। तिच्या आईच्या रिपोर्टवरून आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे। आरोपी अटकेत आहे सध्या। आज माननीय न्यायालयात हजर करून आम्ही त्याचा PCR घेत आहोत। BCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज की रिपोर्ट।